गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कम्प्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड टूडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी स्टार्टेड। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले आप ये जानो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। इस परफेक्ट नाम का जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन, यानी जब कोई एक्शन, जब कोई काम फिनिश हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, तब वो परफेक्ट बनेगा, राइट? परफेक्ट का मतलब ही है फिनिश्ड एक्शन। जैसे मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं इसे कर चुका हूँ, वो नहा चुकी है, वो धो चुकी है, वो घूम चुकी है, वो पढ़ चुका है, राइट? जब एक्शन फिनिश्ड हो तो परफेक्ट बनेगा, राइट? तो आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए हैं, आ हूं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, राइट? आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये फैक्ट है, बिना याद करे आप इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका रूल नंबर फर्स्ट में है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ तथा हैव का यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होती है, राइट? रूल नंबर सेकंड है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, यानी जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैज़ यूज़ करना है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करना है, राइट? इसमें मेन वर्ब एम भी मतलब मेन वर्ब थ्री मीन्स थर्ड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म में होगी, राइट? तो वर्ब सबको याद करना है, वर्ब रटी होनी चाहिए, आप कॉपी बुक में होगा वर्ब वहाँ पे याद करो, फॉर्म से याद करो उसकी। अब आइडेंटिटी मिल गई, रूल मिल गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बड़े आसानी से बना सकते हो। सबको स्ट्रक्चर बनाना आया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वे सब दिल्ली जा चुके हैं। अब देखो वे सब दिल्ली जा चुके हैं सेंटेंस क्वेश्चन पेपर में आपके आ गया। अब क्वेश्चन पेपर में आया तो भाई प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इस हिंदी के सेंटेंस की अंग्रेजी बनाऊं कैसे। तो अंग्रेजी बनाना एकदम आसान है, आपको दो स्टेप फॉलो करना है। अंग्रेजी बनाने के लिए मात्र दो ही स्टेप फॉलो करना है, एक आइडेंटिटी फाइंड करना और दूसरा कि वो सेंटेंस कौन सा है, यानी अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए आपको वाक्य के अंत में जाना पड़ेगा, वाक्य के अंत में चुके हैं मिला। अब चुके हैं मिला तो दिमाग में घंटी बजेगी कि भाई मैंने याद किया है, आइडेंटिटी चुका है, चुकी हैं, जब ये सब होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है हिंदी का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट? अब आइडेंटिटी आपको मिल गई, आइडेंटिटी के बाद आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है या निगेटिव है वो सेंटेंस प्रॉपर्ली पढ़ने पे पता चलेगा। हमने फिर से पढ़ा हुए सब दिल्ली जा चुके हैं, अब ना तो कोई निगेटिव वर्ड है ना कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, राइट? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर माइंड में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन दिल्ली जा चुके हैं, वे सब की मीनिंग दे ऑल, और दे ऑल के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल है तो हैव लगा दिया। फिर वर्ब आएगी, वर्ब आपका है जाना, एक्शन कौन सा हो रहा है, जाने का, तो जाना मीन्स गो, जाना मीन्स गो। अब गो आपका V1 है, V2 आएगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा, तो गो का जो V2 होगा वो वेंट होगा, इसका V3 गॉन होता है, इसका V4 ING ऐड कर दो, इसका V5 ES ऐड कर दो, तो गो वेंट गॉन गोइंग गोज। अब V3 देखो क्या है, गॉन है, तो गॉन आप यूज़ कर दो, राइट? उसके बाद कहाँ जा चुके हैं भाई, ऑब्जेक्ट में बचा दिल्ली, तो गॉन टू दिल्ली, फुल स्टॉप, तो हो गया दे ऑल हैव गॉन टू दिल्ली। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में आपको हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देना है। स्ट्रक्चर बनाया सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम ने अखबार नहीं पढ़ा है, राम ने अखबार नहीं पढ़ा है, आ है, आ है, आ है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट? तो राम सब्जेक्ट राम, राम सिंगुलर तो हैज़ लगा दिया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब है रीड, मेन वर्ब है रीड, ये है B1 B2, B3, B2 भी रीड ही होगा, यानी स्पेलिंग सेम होगी पढ़ा रेड जाएगा, स्पेलिंग सेम होगी पढ़ा रेड जाएगा, V3 भी स्पेलिंग सेम होगी पढ़ा रेड जाएगा, यानी रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम है
लेकिन प्रोनंसिएशन इसका रेड होगा, बी टू और बी थ्री का प्रोनंसिएशन रेड होगा और बी वन रीड होगा, राइट। तो स्पेलिंग सेम, पढ़ा रेड जाएगा, तो राम हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर, राइट, राम हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह से ही जान रहे हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब एग्जाम्पल आपका जो आएगा वो होगा, क्या शीतल खाना खा चुकी है, क्या शीतल खाना खा चुकी है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि आइडेंटिटी आपने क्रैम करी है। अब उसके बाद जब इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ हैज़ एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ हैव एंड योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन यू हैव टू यूज़ हैज़ एंड योर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन यू हैव टू यूज़ हैव बिकॉज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हैज़ विल बी यूज्ड, राइट। सब्जेक्ट आपका शीतल है, शीतल सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लगा दिया, तो हैज़ हो गया, फिर सब्जेक्ट आपका शीतल आ गया, फिर वर्ब आपका है खाना यानी चबाना, खाना यानी ईट, थर्ड फॉर्म में ईटन हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा, खाना यानी जो भोजन होगा, तो उसका मीनिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हैज़ शीतल ईटन द फूड। बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत ईजी है, राइट। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे हमेशा। इंट्रोगेटिव का अगर आप निगेटिव बनाओगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, राइट। हम लोग अफर जब यहाँ पे निगेटिव में बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाओगे, तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, राइट। एग्जाम्पल है, क्या मैंने अपने दोस्तों के साथ मंदिर नहीं गया हूँ। अब गया हूँ यानी आ हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड भी मिला तो निगेटिव उसी में ऐड हो गया, तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो सब्जेक्ट कौन भाई, कौन गया है, मैं मींस आई, आई आपका प्लूरल तो हैव लगा दो, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आपका का प्रयोग करते हैं, राइट। तो हैव आई, उसके बाद सब्जेक्ट बाद नॉट आ गया, फिर गया यानी जाना, जाना मीन्स गो, थर्ड फॉर्म में गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, तो हैव आई नॉट गॉन, कहाँ, टू टेम्पल, कहाँ गया हूँ भाई, मंदिर यानी टू टेम्पल, फिर अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ की मीनिंग विथ, के साथ की मीनिंग विथ, अपने दोस्तों यानी अपने का मीनिंग माई, अपने का मीनिंग सब्जेक्ट से फाइंड होता है, किसी सेंटेंस में अपने की मीनिंग सब्जेक्ट से फाइंड होता है, यदि सब्जेक्ट आई है तो अपने की मीनिंग माई बन जाएगी, यदि सब्जेक्ट यू है तो अपने की मीनिंग योर बन जाएगी, यदि सब्जेक्ट हम है तो अपने की मीनिंग आवर बन जाएगी, यदि सब्जेक्ट सी है तो अपने की मीनिंग हर बन जाएगी, यदि सब्जेक्ट ही है तो अपने की मीनिंग हिम बन जाए, सॉरी हिज बन जाएगी, राइट। तो अपने की मीनिंग हमेशा सब्जेक्ट से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो अपने की मीनिंग मैं के अकॉर्डिंग आई, आई के अकॉर्डिंग माई बन जाएगी, तो माई और दोस्तों का फ्रेंड्स, दोस्तों का फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है, दोस्तों प्लूरल है, तो यस लगाना है, फ्रेंड्स, तो हो जाएगा आई हैव आई नॉट गॉन टू टेम्पल विथ माई फ्रेंड्स, राइट। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड पहले ही यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है, हमने इसे कब किया है, हमने इसे कब किया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखेंगे, कब की मीनिंग व्हेन, क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद हैव आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है हमने, भाई कौन किया है, हमने, हम यानी वी तो प्लूरल है तो हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो व्हेन हैव, फिर सब्जेक्ट आपका क्या आ गया, हमने यानी वी, फिर वर्ब क्या है, किया यानी करना, करना मीन्स डू, डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन, तो डन, और इसी का इट, तो व्हेन हैव वी डन इट क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर उसी डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया, निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दोगे, हमने इसे कब नहीं किया है, तो व्हेन हैव वी नॉट डन इट, आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, व्हेन हैव वी नॉट डन इट। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, और आप सभी इसको क्रैम करो, जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, और इसकी नोट्स मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना, एंड थैंक यू वेरी मच।